का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में सिटी कुकिंग लागर 247 में। हम आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाले हैं। मैगी की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट बनाएंगे फटाफट। तो दोस्तों एक हमने ये बड़ा बर्तन ले लिया जिसमें मैगी पकानी है और इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये सरसों का तेल और ये बहुत ही गजब की रेसिपी होने वाली है। और इसी के साथ ऐड कर देंगे ये अमूल का एक बटर। ऐसी मैगी आपने कभी नहीं बनाकर खाई होगी ना कभी कहीं देखी होगी। दोस्तों इसी के साथ हम इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। दोस्तों देखिए सारा बटर ऑयल सारा इसमें मिक्स कर देना हमको। ये देखिए दोस्तों जब ये गल जाएगा तो इसमें हम डालेंगे पहले हरी मिर्च, तुरंत प्याज, तो ऐसे मिक्स कर लेना। पूरा नहीं पकाना है, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इंस्टेंट बनेगी, बहुत बेहतरीन लगेगी खाने में भी। और इसी के साथ ऐड कर देंगे ये टमाटर। इसमें दो टमाटर, दो प्याज और चार हरी मिर्च है और इतना ही लगने वाला है हमारी इस रेसिपी में। बहुत ही इजी तरीके से कम सामान में मैं बनाऊंगा इसको। तो दोस्तों तो इस पर जो है हम अभी ऐड करने वाले हैं तो दोस्तों देख सकते हैं ये सॉफ्ट होने लगा है। इसी में हम ऐड कर देंगे ये हरी मटर, इसको इसमें मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद ये सारे मैगी के मसाले थे चार पैकेट के इसी को इसमें डाल और इसी के साथ हम ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक अपने। इन सबको एक साथ मिक्स कर लेना है मस्त। दोस्तों ये देखिए मस्त एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है इसका और इसी में हम सारी की सारी मैगी ऐसे डाल देंगे तोड़ के, ठीक है। इसी में ऐड कर देना है जस्ट पानी। दोस्तों एक बार ये तरीका अपनाइए, कसम से बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मैगी बनकर तैयार होगी और कम से कम समय लगेगा इस पर, मात्र 2 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं इसको। इसे हम और पानी ऐड करना है हमको। दोस्तों ने पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद इसमें मस्त एक थाली से इसको बंद कर देंगे, ढककर पकाएंगे इसको। बस 3 से 4 मिनट में बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमने 2 मिनट के लिए ढक दिया इसको, देखते हैं कैसा पका है। वाव देखिए कितना गजब का कलर आया है और कितना बेहतरीन तरीके से बनकर तैयार भी हो गया है। अगर आप सूप वाली पीना खाना चाहते हैं इसको, सूप के साथ सूप भी पीना चाहते हैं, मैगी भी खाना चाहते हैं, आप इसी स्टेज पर इसको हटा लीजिए। लेकिन हम इसमें सूप नहीं रखेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सूप रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और 1 मिनट हम पकाएंगे बढ़िया से। और दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने कितनी अच्छी मैगी बनकर तैयार हो गई है, इंस्टेंट मैगी। 2 मिनट भी नहीं लगा इस पर, एकदम रेडी हो गई है ये। तो दोस्तों अभी 1 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे इसको। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारी मैगी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो गैस को हम करते हैं बंद, इसको निकालते हैं कटोरी में, मस्त खाते हैं। आप भी बनाइए और खाइए और हमें बताइए कि मेरी रेसिपी से कितना डिफरेंट हर किसी की रेसिपी होती है और कितना बेहतरीन लगता है खाने में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।